हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का केक बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही बड़ा केक आज का केक ऑर्डर है। 3.5 kg का 3-tier केक आज की इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा और डेकोरेशन भी इतना प्यारा निकल के आया। बेबी बॉय का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था तो उसके लिए मेरे पास 3.5 kg का ऑर्डर, और जब ये बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं ना, एक पल को घबराहट हो जाती है कि बहुत सारा केक का प्रिपरेशन करना रहता है, डेकोरेशन सोचना रहता है। इस बार डिज़ाइन उन्होंने नहीं भेजी थी तो, क्योंकि बॉय था तो ब्लू कलर की थीम रखना ही एक वो था पर्पस, इसीलिए ब्लू वाइट कलर का केक है। सो ये बेसिकली मैंने बेस प्रिपेयर कर लिए थे, 3 tier का केक था तो फर्स्ट बेस था 2 kg का, सेकंड 1 kg का, एंड टॉप वाला था 1/2 kg का, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी है जिसमें मैंने फुल मेज़रमेंट बताया है कि 2 kg का बेस बनाने के लिए क्या साइज़ की टिन और कितना कितना आपको प्रीमिक्स लेना पड़ता है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन दैट वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये बेसिकली part 2 है, उसी का कंटिन्यूएशन, जिसमें अब मैं डेकोरेशन वाला पार्ट दिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट वाला बेस है 2 kg का, जिसकी मैं आइसिंग कर रही हूँ। चॉकलेट केक था तो चॉकलेट बेस बना है, बीच में मैंने ये चॉको चिप्स भी डाल दिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब ये मुँह में आते हैं। सो गाइज, एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस लाने में, अच्छी अच्छी केक बनाते वक्त रिकॉर्ड करना, देन उसको एडिट करना, देन वॉइस ओवर करना, गाइस बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं एक न्यू होम बेकर हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑल्सो कमेंट करके भी बताइए प्लीज़ कि केक आपको कैसे लग रहे हैं और वीडियोज़ पे क्या कमी लग रही है जो मैं बेटर कर सकती हूँ। आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लाऊंगी, मैं फुल जर्नी बताऊंगी मैंने कहाँ से सीखा, क्या क्या डिफ़िकल्टी मुझे आई। सो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। सो जैसा कि ये मैं अब आइसिंग कर रही हूँ अपने फर्स्ट बेस की, और बहुत बार मैंने हर बार आपको बोला है बहुत ही क्रूशियल पार्ट है ये केक डेकोरेशन का, क्योंकि आइसिंग अच्छे से नहीं होगी गाइस तो फिनिशिंग केक में बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो आइसिंग करने के बाद आप स्क्रैपर ज़रूर यूज़ करें, स्क्रैपर से एक फाइनल शार्प लुक आता है। फिर आप ज़िगज़ैग स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप ज़िगज़ैग लाइनिंग वाली डिज़ाइन देंगे आप केक को तो बहुत प्यारा लगता है, और फिर एजेस को शार्प करना रहता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने कभी इतना बड़ा केक का ऑर्डर दिया है या इतना बड़ा केक कभी बनाया है? अगर हाँ तो कमेंट करिएगा, और क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आई। सो बेसिकली ना, जब इतने बड़े केक के ऑर्डर्स आते हैं तो जो मेरे पास OTG है उसमें तीनों बेस एक साथ बन जाते हैं। किसी किसी के साथ दिक्कत आती है बेस प्रिपरेशन में, किसी किसी को डेकोरेशन में दिक्कत आती है, किसी किसी को पता ही नहीं होता है क्या एग्जैक्ट मेज़रमेंट लिया जाए लेयर्स बनाने के लिए, कि एक के ऊपर एक जब रखें तो एकदम टीयर वाली शेप बने। सो मेरी जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, आई डेफिनेटली श्योर आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जब मैंने नया नया केक बनाना सीखा था मुझे YouTube पे या कहीं पे भी ऐसी वीडियो नहीं मिली थी जहाँ मुझे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ कोई बताए कि इसके लिए इतना इतना आपको प्रीमिक्स ऑयल या वाटर लेना है। सो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो। ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूँगी, आजकल एगलेस केक बनाना बहुत इजी हो गया है, मार्केट में प्रीमिक्स मिल जाता है, प्रीमिक्स की मेज़रमेंट आप जान लें अगर तो कोई भी केक बना सकता है OTG में। सो बहुत ही इजी हो गया है, सो आप ज़रूर मेरी वीडियो से सीखें और अपने लिए घर में केक बनाएं छोटे से ओकेजन के लिए। सो ये था मेरा टॉप वाला बेस, सेम इसमें भी मैंने आइसिंग करी, ज़िगज़ैग स्क्रैपर से फिनिशिंग दी, और जैसा कि मैंने आपको बोला था मैंने ब्लू कलर की थीम रखी है, तो मैंने बेस के हाफ पार्ट को बॉटम से ब्लू क्रीम से कलर कर दिया। ये था, ये है मेरा फर्स्ट 2 kg वाला बेस, इसको भी मैंने नीचे से ब्लू कलर की क्रीम लगा के सेट करा है। सो अब मैं बना रही हूँ अपना मिडिल 1 kg वाला बेस। सो ये प्रोसेस गाइस सेम है, आप सोचते होंगे मैं बार बार दिखा रही हूँ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसलिए आपके साथ शेयर करना ही होता है। ऑल्सो
बेकरी के जो केक्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा मतलब वो हाइजीनिक नहीं होते, वो क्रीम भी अच्छे से नहीं बनाते हैं, यानी क्या क्या मिक्स करते हैं। इसलिए आई प्रेफर कि आप जब भी केक लें किसी होम बेकर से ही ऑर्डर बेसिस पे लिया करें, क्योंकि वो आपके लिए चाहे कोई भी होम बेकर हो फ्रेश ही बनाते हैं। वो बेकरी की तरह थोक में बना के नहीं रखते, तो वो फ्रेश केक्स ही हमेशा आपको डिलीवर करेंगे अगर आप किसी होम बेकर से ऑर्डर बेसिस पे केक लेंगे। सो ये एक एडवांटेज होता है ओवर द बेकरी, क्योंकि बेकरी पे आप कभी भी जाएंगे तो आपको हमेशा 10-12 केक्स रेडी उनके फ्रीज़र में दिखेंगे। सो आपको नहीं पता वो फ्रेश केक है या कितना पुराना केक बना हुआ है। सो इसीलिए आई प्रेफर कि आप होममेड से लें। सो अब जैसा कि तीनों लेयर्स की आइसिंग हो चुकी थी, टाइम था डेकोरेशन का। मैंने तीनों लेयर्स को एक के ऊपर एक रख दिया। अब मैं इस पर गोल्डन ग्लिटर लगाने वाली हूँ, प्रीमियम कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ। पेंट ब्रश की हेल्प से मैं उसमें डिप करूँगी और हल्का हल्का तीनों लेयर्स पे आउटलाइनिंग दूंगी गोल्डन कलर से। डली फिनिश्ड में ही इसको असिमेट्रिक वे में करते हैं और बहुत ही प्यारा लुक देता है। ये एडिबल होता है एंड बहुत ही मज़ा आता है इसको करने में। लाइक बचपन की याद आ जाती है, जैसे हम लोग ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे, तो बड़ा मज़ा आता है ये वाला डेकोरेशन करने में मुझे। प्लस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखने में भी इसे बहुत ही मज़ा आता होगा। सो इसी तरीके से मैं अपनी तीनों बेस के पार्टीशन, ब्लू और वाइट पार्टीशन वाले पार्ट में इस गोल्डन कलर से आउटलाइनिंग करूँगी। नेक्स्ट डेकोरेशन करने के लिए आप बने रहिए वीडियो में, तो देखिए एंड तक केक कितना सुंदर निकल के आया। मतलब कस्टमर तो इतना ज़्यादा खुश हुए ना केक को देख के, मतलब बच्चे का केक था तो मुझे कार्टूनिश फील तो देना ही था। सो इसके बाद मैंने इसमें वाइट कलर की पर्ल्स बॉल जस्ट ऐसे थ्रो करी केक पे, और लिटरली जब मैं इसे थ्रो करके डाल रही थी तो रैंडम ऑर्डर में जब इस पर स्प्रेड हुई तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था, ऐसा नहीं था कि बेकार लग रहा था। और इसी तरीके से डालना चाहिए, आप एक एक करके सेट करेंगे तो आप बिल्कुल मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी और समझ भी नहीं आएगा कहाँ लगा, इसलिए ऐसे रैंडम थ्रो करें बिल्कुल अच्छा लुक देता है। फिर क्योंकि मिक्की माउस थीम के कार्ड्स मेरे पास थे एंड बहुत अच्छा कार्टून है ये बच्चों के लिए, तो मैंने स्टार्स और मिक्की माउस के बहुत सारे स्टिकर्स इस पर लगाए। मार्केट में आपको किसी भी केक शॉप पे ये मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा सा मिक्की माउस वाला ही हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया। तो ये है मेरे केक का फाइनल लुक। सो गाइस प्लीज़ 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 कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको केक, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।